नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपीलीय पदाधिकारी कौन होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में कई बार अनेक शंकाएं या संशय हुआ करती है, तो लोक सूचना पदाधिकारी के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी हुआ करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि लोक सूचना पदाधिकारी से जो ऊपर के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, वो प्रथम अपील पदाधिकारी होते हैं। लेकिन कभी कभी किसी विभाग में संशय हो जाती है कि हम लोग कौन प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को आवेदन करेंगे। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग यदि इस तरह की कोई शंका या संशय हो, तो जिस भी विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी को आपने RTI लगाया है, उसके अपर मुख्य सचिव को भी डायरेक्ट आप प्रथम अपील कर सकते हैं। इसलिए उनको यदि आप प्रथम अपील कर देंगे, तो वो अपने जो भी विभाग से संबंधित प्रथम अपीलीय पदाधिकारी होंगे, वो खुद उस पदाधिकारी को, प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को, धारा 6(3) के तहत वो स्थानांतरण कर देंगे। यह सूचना के अधिकार अधिनियम में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि किसी कारण से वह आवेदन किसी अन्य पदाधिकारी के पास चला जाता है, तो उन्हें धारा 6(3) के तहत संबंधित अपीलीय पदाधिकारी या लोक सूचना पदाधिकारी को स्थानांतरित 5 दिन के अंदर कर दिया जाता है। इस तरह मैं बताना चाहता हूं कि प्रथम अपील जब भी करें, यदि समझ में नहीं आवे कि प्रथम अपील हम मुझे कहां करना है, तो विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी आप प्रथम अपील कर सकते हैं। वो अपने संबंधित पदाधिकारी को वो स्थानांतरित कर देंगे। और जब भी प्रथम अपील करें, तो उस फॉर्म में या आवेदन में नीचे नोट करके लिख दें कि यदि यह आपके विभाग या आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है, तो धारा 6(3) के तहत इसे संबंधित विभाग या कार्यालय को आवेदन स्थानांतरित कर दें और इसकी सूचना मुझे भी 5 दिन के अंदर ही सूचित करें। ऐसा प्रावधान है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में। इसलिए आप इस तरह भी लिखकर अपर मुख्य सचिव, विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी प्रथम अपीलीय आवेदन कर सकते हैं। वो अपने आवेदन को संबंधित पदाधिकारी को ससमय हस्तांतरित कर देंगे। जय हिंद।